आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही कमाल की ट्रिक कि आप जब भी आप इंस्टाग्राम के अंदर हाइलाइट्स लगाते हैं तो यहाँ पर स्टोरी लगाना पड़ता है, तो आपको स्टोरी बिना यहाँ पर दिखाए हुए किसी को भी आप हाइलाइट लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो इन स्टेप्स को आपको कर लेना है। तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम में आ जाना है, आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल में आ जाना है और यहाँ पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल में आने के बाद थ्री लाइंस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है, फिर क्लोज फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लियर ऑल कर लेना है सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है आपको, अगर आपकी दूसरी आईडी है तो आपको दूसरी आईडी पे क्लिक कर लेना है, या फिर अगर कोई भी करीबी फ्रेंड है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। कम से कम आपको एक दो फ्रेंड आपको सिलेक्ट रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस के सिंबल पर क्लिक कर लेना है, स्टोरी पर क्लिक कर लेना है, फिर जो भी फ़ोटो है आप ले लेना है आपको यहाँ से। तो मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है, क्लोज फ्रेंड्स इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है जिससे यहाँ पर स्टोरी लग जाएगी, लेकिन ये सिर्फ आपके ही फ्रेंड को दिखेगी, एक ही फ्रेंड को जो आपने सिलेक्ट किया है। जो एक फ्रेंड आपने सिलेक्ट किया है वो आप दूसरी आईडी अपनी अगर होगी तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको हाईलाइट के ऊपर क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप हाईलाइट्स रख सकते हैं ऐड करके। यहाँ पर हाइलाइट्स ऐड हो जाएगी, अभी आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।